से लाई, मैंने कोई दुकान से नहीं लिए। तो मैं इंडिया जाने में लगा हूँ। नहीं, मम्मी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है, एक बीमारी का नाम होता है स्क्लेरोडोमा, वो है। तो सोनिया का यही प्लान है कि भी थोड़े लंबे टाइम के लिए रुके वहाँ पे, 2-3 महीने के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज शुरुआत कर रहे हैं लंच टाइम से। लंच में अभी मैं रोटी बना रही हूँ, उससे पहले सब्जी बनाई थी हमने, बनाई है ग्रीन बीन्स की सब्जी, राजीव को बहुत अच्छी लगती है। तो ये जस्सू का खाना दे दो, और राजीव वो शोरे का डाल के दे दिया था पहले ही। क्या हो गया? से नहीं लिए, पैसे के साथ भी नहीं लिए। एक बहुत बड़ा ट्री है हमारे घर के पास, जिस पे बहुत पिंक पिंक सा फूल लग रखा है इसके जैसे, और उससे मैं और चाचू तोड़ के लाए थे। तो इसलिए अब मैं 3 लेके आई हूँ, और उसको अभी मैं स्प्रे कर रही थी पानी से, तो अभी मरे नहीं क्योंकि अभी बहुत सनी सनी सा है। इसलिए एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदी वहाँ बैठी हुई है। तो वो दोनों वहाँ बैठे हैं, शोर्रे को ऊपर सुला दिया है, तो शोर्रे सोने में लगा हुआ है अब, और सोनिया बाहर गई है, अभी वो आएगी थोड़ी देर में। तो यशिका से पूछा, वो आ भी गई, मैं से बात करता हूँ, सोनिया की गाड़ी भी आ गई। और यशिका से पूछा था कि भाई यशिका डिनर में आज क्या करना है, क्योंकि सोनिया के नवरात्रों के फास्ट है। तो यशिका ने बोला कि भाई मुझे तो पिज़्ज़ा खाने का दिल है। तो हमने कहा चल ठीक है, तेरे को पिज़्ज़ा ही खिलाते हैं। तो पिज़्ज़ा उसके लिए लेके आ गए हैं, पिज़्ज़ा उसने खा लिया अपना, और यशिका और जस्सू ने दोनों ने पिज़्ज़ा खा के वहाँ बैठे हैं आराम से। और मैंने भी खाने वाला हूँ, क्योंकि सोनिया तो खाएगी नहीं, सोनिया फास्ट है। तो और अभी मैं जाने वाला हूँ, आज की फ़्लाइट देख रहा था लेकिन आज की फ़्लाइट मुझे मिली नहीं, कल की फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ इंडिया। तो कल मैं इंडिया जा रहा हूँ सोनिया, फ़्लाइट बुक कर दी मैंने। क्यों जा रहा हूँ आपको पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता होगा। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ ये पता है? आप और आपकी तन्हाई। मेरी तन्हाई की जा रही है। हाँ, एक चीज चलो अभी बताते हैं इंडिया के लिए। तो लेकिन उससे पहले अभी जस्सू बाहर से स्पेशल, जस्सू है ना अपने लिए और ये शेयर के लिए चॉकलेट लेके आए, आधी खा गए, इतनी सी बची है बस, चॉकलेट लेके आई है खाने के लिए। खाना उन्होंने खा लिया। तो मैं इंडिया जाने में लगा हूँ, जस्सू भी जा रहा है, जस्सू को भी लेके जा रहा हूँ मेरे साथ। चाचू ने कर लिया बैग पैक, आपको मजाक समझ रहे हो क्या? जस्सू जी नहीं जा रहे, आपको पता नहीं है? जस्सू ने बताया नहीं, क्या शर्त लगा लो, क्या लगता है आपको जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप जा रहे हो? अच्छा, मैं क्यों जा रहा हूँ आप बताना। क्योंकि दादी की तबीयत खराब है। दादी की तबीयत खराब है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और सिर्फ आप क्यों जा रहे हो, हम क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, माँ हमारी भी है वो। तो अच्छा, तो बहुत गंदे हो। अरे गंदे नहीं यार, लेकिन ऑब्वियसली इसलिए नहीं, मम्मी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है। तो मम्मी को जाके दिखाएंगे कि भाई हॉस्पिटल वगैरह में जो दिखाना है थोड़ा सा, क्योंकि वो ये दवाई चल रही है। लेकिन मम्मी के पता है क्या है, मम्मी है ना दवाई कंटिन्यूस नहीं लेती, ये मम्मी की एक वो कमी है, मम्मी नहीं लेती। और एलोपैथी उनसे ली नहीं जा रही। होम्योपैथी के लिए यार आप लोगों ने जैसे सजेशन दिए थे पहले भी, अब फिर से दे देना अगर किसी का कोई है। और मैं बताया तो आप लोगों को, क्योंकि मैं इंडिया जाऊँगा तो इंडिया जाती है आपके सजेशन सारे पढ़ के, जो मुझे 3-4 ठीक लगे मैं उनमें लेके जाऊँगा, क्योंकि हम हर जगह से वो लेंगे उनकी राय। तो ऑटोइम्यून डिसीज है, तो उससे रिलेटेड एक बीमारी का नाम होता है स्क्लेरोडोमा, वो है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता हो तो प्लीज़ बताना नीचे कमेंट करके, और अपनी सजेशंस देना कि भाई कहाँ पे क्या हो सकता है, किसी के साथ ऐसे बीमारी हुई हो, ठीक हो गई हो, तो वो उसके ऊपर। और बाकी बाकी तो कुछ नहीं, तू भी चल रहा है क्या? एयरपोर्ट तक चले गए,
हवाई जहाज तक चलेगा ये। अच्छा, और ये यशिका यहीं रहेगी, फिर सोनिया बाद में आएगी। जब लाइक स्टक इन द मिडल, नो गोइंग टू इंडिया एंड सत्य वचन मैं बताती हूँ, अभी राजीव जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, वो वहाँ जाके जितना हॉस्पिटल्स का या दवाइयों का जो ये वाला काम है वो राजीव सेट करवा के आ जाएंगे। देन मी एंड शौर्य विल गो, हम करके आएंगे दादी को, तो ठीक आपसे थोड़ी ठीक होगी, हमसे ठीक होगी देखना जाते ही, शौर्य के साथ खेल के एकदम ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ये है कि देन यशिका एंड राजीव विल जॉइन बैक जब इनकी समर हॉलीडेज हो। ये प्लान है हमारा, ये अभी प्लान है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्लान, अभी इसमें काफी टाइम लगने वाला है पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में। और फिर जब हम वापस आएंगे समर हॉलीडेज फिनिश करके, मतलब जो अगले टर्म में हमें वापस आना है, तब हम दादी को साथ लेके आएंगे। और इतने जस्सू की शादी अगर सेट होगी तो वहाँ पे, तो सिर्फ जस्सू की शादी में भी जाना पड़ेगा। सितंबर से पहले अगर कर सकते हो तो सर जरूर करो, उसके बाद तो आपको पता है। जस्सू की शादी, बस जस्सू की शादी की बात नहीं करना चाहता, कह रहा है उसे पॉइंट को वही रखो। अभी तो मैं और शौर्य मजे लेके आएंगे इंडिया के, मजे गर्मी में, गर्मी में मजे, जून की गर्मी। उसको शौर्य को पानी के साथ खेलना होगा, मिट्टी के साथ खेलना होगा, दादी को बिजी रखेगा उसमें, दादी अपने आप ठीक हो जाएगी हमारी। दादी ना खेला है मिट्टी पानी, दादी को तो मैं ठीक करके आऊंगा। तो सब लोग चले गए हैं सोने के लिए, मैं अभी जगा हुआ था क्योंकि मुझे तो छोटे मोटे काम थे वो करने थे, क्योंकि पीछे से चलती रही चीजें। तो अभी इंडिया में आके अभी गर्मी भी है, कह रहे हैं कि गर्मी शुरू हो गई है, तो लेकिन पता नहीं मैं इस मौसम में बहुत टाइम हो गया, मैं कब शायद पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट में कब गया था इस टाइम में, कि मतलब ऐसे मौसम जो थे जो गर्मियाँ शुरू हो रही थी। मैं जनरली जो भी गया हूँ सर्दियों के टाइम में गया हूँ, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और प्लस देखते हैं, या तो मम्मी को मैं साथ में लेके आऊँगा, नहीं तो वैसे सोनिया का हमने प्लान कर रखा है, जैसे सोनिया भी बता रही थी कि भाई अगर मेरे आने के बाद फिर सोनिया वहाँ पर जाएगी, तो और सोनिया का यही प्लान है कि भाई थोड़े लंबे टाइम के लिए रुके वहाँ पर 2-3 महीने के लिए, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे रुकूँगा। अभी देख रहे हैं, अभी प्लान ही बना रहे हैं, अभी कोई ऐसे फिक्स फाइनल नहीं हुआ है कि भाई क्या एग्जैक्टली मैं करेंगे। जाके देखता हूँ कि भाई अगर मम्मी की दवाई लगने शुरू हो गई, तो दवाई मम्मी की हालत थोड़ी बेटर होने लग गई, तो हम मम्मी को यहीं पे ले आएंगे यूके में। लेकिन वो है कि मम्मी है ना मेरी यार दवाई नहीं लेती, शायद आपके भी घर में ऐसे होता होगा पेरेंट्स वगैरह कि यार जब मम्मी को क्या होता है, मम्मी कहती है मेरे को बेचैनी हो जाती है दवाइयों से, और मेरे को बड़ा अजीब सा फील होता है। मेरी मम्मी कई बार ऐसे लगता है हाय हाय क्या करूँ, दवाई मार दिया, इन दवाइयों ने तो मार दिया। तो इसलिए थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ हो जाती है कि भाई आप दवाई लेने के लिए बोलो कि ना बोलो, क्योंकि कहती है कि दवाई लूँ तो मैं ज़्यादा फील करूँ, और दवाई ना लूँ तब भी मुझे ऐसा ही हो कि भाई ज़्यादा बेटर फील करती हूँ मैं। तो अब मेरे को समझ में आया था बिना दवाई लिए ठीक कैसे हुआ फिर। तो चलो मैं सोने जाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, कल मिलते हैं, और कल मेरी फ्लाइट है।